ज़ाहिर जी जो परेशान होता है वो तो कोई दरवाज़ा नहीं ना छोड़ता, तो ज़ाहिर उसने भी नहीं छोड़ा था, पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, जहाँ जहाँ गया था हर एक ने कुछ ना कुछ तो बताया था, उसने भी पढ़ा था, तो ज़ाहिर नहीं हुआ तो आपके पास आया ना। ठीक है जी, आपकी बारगाह में ना कोई बंदा आ गया है बड़ा परेशान, को वजीफ़ा बताएं, आपने फरमाया बस संगिया रोज 100 बार इस्तगफार करनी, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आगे सिर्फ करता है हज़रत मैं तो कई 1000 बार पढ़ छड़े तो कख नहीं होया, तो 100 बार ना की होना। आपने फरमाया संगिया तू पढ़ ही आया, मैं तेन करने लू कह डे है, पढ़ने में करने में बड़ा फ़र्क होता है। हम अस्तगफिरुल्लाह भी बदमाशों वाली पढ़ते हैं, आपको भी बदमाशों वाली अस्तगफिरुल्लाह के, हाँ जी हम इस तरह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वही कड़ी अस्तगफिरुल्लाह इस तरह होती है अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, अंदाज भी तो माफ़ी वाला बनाना है, हाँ जी इस तरह जैसे हम इस तरह तो नहीं होती जी, तू अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, अंदाज भी तो माफ़ी वाला कर। हमारे पास बीबियाँ आती हैं, बहनें आती हैं जी, बड़ी परेशानी है जी, जो भाई बड़ों से आया हमने तो वो देना है। हम कह देते हैं भाई बहन जी 1,25,000 वारी आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, अगले जुम्मे भैन होरी फिर बोड़ी होंगी इन्नी हज़रत जी कख नहीं होया। तो मैं कहा करता, मैं क्या तुम भैन जी तुम क्लीन तो बह के सामने लाचियाँ रख के ए सी ला के तो गप्पा मार दें पड़े है, कोई कोशिश करो है एक बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और पढ़न दी है भाई, इस तरह तो नहीं होता जिस तरह आप कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। एक बंदा अपनी पैनाडोल की टिक्की कान में रख के कहना शुरू कर दे जी आराम नहीं है, क्या कान में रखने से आराम आता है? खाने से आराम आता है। इधर भी कुछ है भाई, तू जो पढ़ रहा है कम से कम खुद पे तारी तो करने यार, तो अगर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ रहा है तो दे तो तवज्जो भी तो उन्हीं की जानिब करना है। अब आप कहेंगे जी कैसे तवज्जो करें, अब आगे देखें तो दीवार है। चलो मैं इंशाल्लाह कभी को मौका मिलेगा कोई इस तरह की महफ़िल हुई जिसमें रूहानी है तो इस पर भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अभी मैं इस पर कर देता हूँ भाई। मैंने मान लिया कि दीवार है, लेकिन एक तू भी मैं मान ले कि ये तेरे लिए दीवार है, ये दीवार उनके लिए दीवार नहीं है। हाँ तो उन्हें नहीं देख रहा, वो तुझे देख रहे हैं। हाँ जी अल्लाह जल्ला शानहू ने महबूब की निगाह मुबारक को बड़ी वसत दी है। यहाँ तो हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं, फरमाते हैं ये दुनिया मेरे सामने इस तरह है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा जी। इसलिए आप कोशिश फरमाया करें जब दुरूद पाक पढ़ें ना तो मोहब्बत से पढ़ा करें। जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी चाड़न वाला ना पड़े करो, और 2 बार तो पढ़ना होता है यार कम से कम, वो तो दिल से पढ़ दिया करो, तुम खुद उसकी बहारें देखोगे जी। मैं जी पीछे बड़ा कुछ मैं आप कहें ना जी कोई किताब से बात नहीं करनी है, जो सड़कों पर वेख दो सिर्फ अजो ही सुना छोड़ो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर तक बोल सकता हूँ, अदर इशा पढ़ के फिर शुरू हो जाएंगे, किताबों से नहीं, मैं सारा दिन इतना सीखता हूँ। अदर एक मेरे पास गैबी सी डायरी है, मैं उस पर नोट कर लेता हूँ कि पीछे अदर जी मैं अटक गया, दुरूद पढ़ते हैं मोहब्बत वाला, मैं आपको पहले दलील दे दूँ, मैं हम अटक गए। हो सकता है आप में से भी कभी, अगर आप अदर जी मोटरवे उतरे ना, मोटरवे से अटक जाएँ और फिर आगे आप अटक से झोंड जाएँ या चूरा शरीफ जाएँ अदर, तो फिर आपको रास्ते में से ना एक पहाड़ी पर से गुजरना पड़ेगा, उस पहाड़ी पर ना वो हमारी आर्मी के कुछ मामलात हैं इसलिए वहाँ बड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग होती है। आपके भी गुजरांवाला में कैंट है, अगर जाएं तो आईडी कार्ड वो भी देखते हैं, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा देखते हैं, गाड़ी भी देखेंगे डिक्की भी देखेंगे, आपको भी उतार के देखेंगे, फिर वो आपको ना एक छोटा सा पास देंगे जिस पे वो आपका नाम लिखेंगे, आपका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे इधर, फिर आपने वो पास ले के ना उस पहाड़ी पर ट्रैवल करना है। हो सकता है आपको रास्ते में भी कोई जो है ना वो आर्मी का बंदा मिल जाए और वो आपसे वो पास मांगे, अगर आप पास नहीं दिखा सकेंगे तो आपके साथ फिर कुछ अच्छा नहीं होगा इधर। मैंने 2 बार किया, पहली बार जब किया तो सारा कुछ ही हुआ, आईडी कार्ड भी वेख्या, गड्डी तू ही थले लाया, तलाशी भी हुई, गड्डी दी भी डिक्की वेखी, लेकिन जब दूसरी बार गए ना तो प्रोग्राम ही आर्मी का था, हमें गाड़ी लेने आई हुई थी, मैं उसी गाड़ी में निकल पड़ा, उसी जगह पे हम गए, पहले भी आईडी पाक सी, दूजी बारी भी आईडी सी, पहले भी 2 ही अखा सन, दूजी बारी भी 2 ही, पहले बारी भी एन जी सन, दूजी बारी भी एन जी सन, लेकिन जब उस जगह पर पहुँचे ना तो वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे ना वो जो आर्मी के थे उन्होंने तारुफ ये करवाया कि हज़रत फुलां के मेहमान हैं। क्या तारुफ कराया, हज़रत फुलां के मेहमान, तलाशी भी नहीं हुई, नीचे भी नहीं उतारा, आईडी कार्ड भी नहीं देखा, टोकन भी नहीं मिला, हमारी गाड़ी इसी तरह निकल पड़ी। तो मैंने सीट पे बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान जे एक बंदे का ना इन्ना काम करता तो फिर उन्होंने ना की करता होगा है। भाई भाई उलमा आप इख्तलाफ कर सकते हैं, अगर किसी को इख्तलाफ हो आप उठ के इख्तलाफ कर सकते हैं, नहीं जी मौलवी जी गल इंज नहीं, ओ भाई पहले भी 2 ही आंखें थी अब भी 2 ही थी, पहले भी मैं वही सुलेमान था अब भी मैं वही सुलेमान था, क्या हुआ सिर्फ एक आम जे बंदे का नाम आ गया जी हजरत फुलां के मेहमान है तो सारा सिस्टम ही बदल गया यार।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ।